हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने हैं नाइट्रोजन ओएस। ये एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने इसको चेक किया, बहुत ताना है मैंने इसे, कि आप देख सकते हो अभी बेंचमार्क भी है, पर मैंने वीडियो में डाला नहीं है बेंचमार्क, कुछ इश्यूज है जो नहीं हो रहे। पर ये अगर आपको डेली यूज़ करने तो डेली यूज़ के लिए एक अच्छा रूम है। ये लीनेज और रिस्ट्रक्शन रिमिक्स की एक मर्जिंग पॉइंट है, क्योंकि ये आपको कस्टमाइजेशन भी देती है और साथ में साथ कूल फीचर्स भी ला के देती है रिस्ट्रक्शन रिमिक्स जैसे। और रयान चौधरी आज इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे नाइट्रोजन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये एक अच्छा रोम हो सकता है डेली यूज़ के लिए, क्योंकि ये रोम स्टेबल है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो और ये बाकी स्टॉक रोम से अच्छा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों ने देखा कि रियान ने हमें बता दिया थोड़ा सा इस रोम के बारे में, पर आप जानते हो कि ये रोम एक स्टेबल रोम है, कि जैसे मैंने यूज़ किया था इसे एक हफ्ते तक, और मेरा लास्ट वीडियो था रिस्ट्रक्शन रिमिक्स रोम पे, और मैंने बहुत दिनों के बाद ये रोम पे यूज़ किया है। अगर आपको लास्ट वीडियो देखना है तो फिर मैं कार्ड दे दूंगा एंड में, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो वो लास्ट वीडियो। तो सॉरी थोड़ा देर हो गया, क्योंकि मैं बहुत सारे रोम टेस्ट कर रहा हूँ और मैंने पहले से ही वीडियो निकाले हैं, पर मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो ये है, मैंने बेंचमार्क भी करा है, ये आप देख सकते हैं बेंचमार्क। और यहाँ पे मैंने इतने सारे गेम टेस्ट किए, क्लैश ऑफ क्लैन, एसफॉल्ट एक्सट्रीम, टेकन 5 भी मैंने खेला था, टेकन खेला था और एसफॉल्ट 8 भी खेला था, नो लिमिट्स भी खेला है, NFS, बहुत सारे गेम ट्राई किए, डिलीट किए, कुछ इंस्टॉल करके वापस ट्राई किए, पबजी भी खेला है। पबजी का गेम प्ले तो मैं अभी दिखाऊंगा ही, और कैमरा टेस्ट किए तो फिर आप ये क्लिप्स देखिए थोड़ी। तो यहाँ पे थोड़े क्लिप्स है, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग मिलते हैं हमारे कैमरा के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये आप फोटो देख सकते हो, और अभी जो मैं करने वाला हूँ वो है पबजी का गेम प्ले। बस एक इश्यू है कि आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आपको पबजी के सेटिंग में जाके, आपको उधर जाके थोड़े से कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे FPS के ऊपर, नहीं तो आपकी वीडियो बहुत बकवास बनेगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है तो वीडियो अच्छी नहीं बनती। तो आप देखो, बस गेम प्ले देखो और एंजॉय करो गेम प्ले को देखकर। आप देख ही सकते हो ये गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चल रहा है इसमें, और मैंने सेटिंग भी हाई करके रखी है। मैं दिखाना चाहता था लेकिन मैं भूल गया वीडियो गेम्स में, पर कोई नहीं, मतलब अच्छे से खेल सकते हैं, क्योंकि OnePlus One काफ़ी पुराना मोबाइल है और पहले ये किटकैट था और अब नूगट है। पर 2018 में मेरे ख्याल से हमें पाई यूज़ करना चाहिए, फिर भी थोड़े से बग्स है उसमें। अगर बग्स सॉल्व होते तो फिर मैं ज़रूर फ्लैश करके आपको रिव्यू दूंगा, नहीं तो बिन काम का बेमतलब का मैं क्यों रिव्यू करूं एक बकवास रोम का जिसका कोई फ़ायदा नहीं सॉल्व करके, क्योंकि तो उसमें कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होगा और पबजी तो एंड्रॉयड पॉइंट में चलने वाला है। कुछ कुछ इसमें चल सकते हैं, पर लीनियर जो इसमें तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था उसे, OnePlus One में ट्राई नहीं किया था, मेरे दोस्त के मोबाइल में ट्राई किया था, वो काम तो किया नहीं। फिर भी ये एक अच्छा मोबाइल है, इसमें आप जो पबजी खेल सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है, और सेटिंग्स भी अच्छी खासी करके खेल सकते हो। पर नाइट्रोजन ओएस मेरे ख्याल से रिस्ट्रक्शन रिमिक्स से थोड़े कम पॉइंट्स दूंगा, मैंने वैसे पॉइंट्स तो दिए नहीं वीडियो में, फिर भी मतलब कम लेवल की थोड़ी सी खिलाता है, क्योंकि रिस्ट्रक्शन रिमिक्स काफ़ी अच्छा था, पबजी की वीडियो डाल तो नहीं पाया और पबजी खेल भी नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया उसमें एक अपडेट आया जो कि मुझे गुस्सा भी आया कि भाई ये क्या चीज़ है, वापस 1 GB की फाइल डाउनलोड। वैसे मैं कर लेता पर मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी पहले, पर ठीक है कोई नहीं, काफ़ी अच्छा गेम है पबजी, क्योंकि सबका फेवरेट है। वैसे मैं थोड़ा सा खेलता हूँ, ज़्यादा नहीं खेलता, मुझे इतना अच्छा खास लगता है तो नहीं,
कुछ है तो नहीं इस गेम में, तो कोई नहीं, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। मुझे भी कुछ हद तक अच्छा लगा। वैसे मुझे कार्स के गेम अच्छे लगते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लेयर के गेम अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल फील होता है खेलते वक्त, क्योंकि वो कैमरा हिलता रहता है, इसलिए। वो तो कोई नहीं, अपने अपने थिंकिंग थॉट्स होते हैं गेम के बारे में, और ये मेरा थॉट था इस पबजी के बारे में। वैसे गेम रिव्यू तो नहीं दिया हमने, फिर भी मतलब एक अच्छा गेम था। और ये फर्स्ट क्यों मार रहा है पता नहीं, कुछ लोग होते हैं जो मारते अपने प्लेयर को, कोई नहीं। तो ये था गेम प्ले। अगर आपको ये अच्छा रूम लगा होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रूम की लिंक दूंगा। तो मेरा अभी ये नया चैनल, तो सपोर्ट करिए। और ये मेरे दोस्त ने बस एक दिन यूज़ किया था ये रूम, मैंने तो बहुत हफ्ते तक यूज़ किया है वो। और इस रूम के लिए एक हेड्स ऑफ है इन रूम के लिए। क्या कर रहा हूँ मैं, हट हट मेरे को मारता, हट हट हट, कोई नहीं कोई नहीं। तो बात करते हैं, ये अच्छा रूम था, कहाँ पे था मैं, हाँ तो ये अच्छा रूम है यूज़ करने के लिए। और मैं एक बात बताऊँ, सही में पूछूँ, आपको नूगट चाहिए, पाई चाहिए या ओयो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। क्योंकि मुझे तो वही रूम चाहिए जो काफ़ी स्टेबल होगा, क्योंकि मुझे बार बार बूट लूप में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये रूम स्टार्टिंग में गया था दो बार बूट लूप पे, पर जैसे ही मैंने अपडेट किया, ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व। रिस्ट्रिक्शन इसके साथ नहीं था, लेने जो इसके साथ थे ही नहीं। तो या बस अभी जो लेटेस्ट रूम निकले ओयो के भी कोई कोई देखे मैंने, इस पर चलता नहीं है। रिसेक्शन रिमिक्स में भी एक बग था जो मैंने एंड में बताया, कि एक गेम चल नहीं रहा था अच्छे से, मतलब गेम चल तो रहा था लेकिन कुछ कुछ फीचर्स चलते नहीं गेम्स के। तो ये था एक ये नाइट्रोजन नॉइस पे, और बग तो मुझे कोई मिला नहीं जो आपको बताऊं। फिर भी एक बग है उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो सॉल्व हो जाएगा अपडेट करते, क्योंकि इसका एक अपडेट आया है, वो मैं करूँगा और देखूँगा और नीचे कमेंट में डाल दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि भाई हाँ चल रहा है ये रूम अच्छा है, उसका ना तो करो। ये थे मेरी ओपिनियन इस रूम पे। अगर आपको ये रूम अच्छा लगता है तो यू कैन गो इट फॉर एंड यू कैन फ्लैश इजिली, बिकॉज इन माई लास्ट वीडियो आई हैव सेड दैट हाउ टू फ्लैश दैट रूम, एंड इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसीजर टू फ्लैशिंग कस्टम रूम, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट दैट नो वन कैन डू। तो आप करिए फ्लैश, और आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए कि आपको हिंदी में चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि मैंने मेरी दूसरा वीडियो जो मैं इंग्लिश में हिंदी में कर रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश की बोल रही हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ। मैंने 7 डेज का बनाया था, वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत बकवास हो गई थी, उसमें प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि वही फर्स्ट वीडियो था हिंदी का यूट्यूब पे, तो चलता है चलते अपना चलने को दिखता नहीं। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है एक रूम के ऊपर, तो अगर आपको ये अच्छा रूम लगता है तो ज़रूर फ्लैश करिए, और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और भाई प्लीज़ कर दो यार, कर दो ना। ठीक है, अब रियान आप कुछ बताएंगे मेरे चैनल के ऊपर थोड़ा सा, प्लीज़ बताइए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जल्दी से जल्दी देखने मिले। और गाइस हमारा नया चैनल है तो इसकी ग्रोथ में हमको प्लीज़ 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 सपोर्ट करना मत भूलना।